नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा। 2022 में काम की तलाश में बिहार से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे विदेश। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते में। IPL 2023 KKR से हिसाब बराबर, करने उतरेगी बेंगलुरु की टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BARC ने 4374 पदों पर निकाली भर्ती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्टाइपेंडरी ट्रेनी, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के कुल 4374 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ संबंधित विषय से 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट darc.gov.in में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज से बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा। आज यानी कि 26 अप्रैल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 मई तक चलने वाला है। बता दें कि आज से शुरू होने वाले इस परीक्षा में राज्य के कुल 56,435 छात्र भाग लेने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा हर दिन 2 पाली में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर जाने की मनाही होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी या वीक्षक दोनों को मोबाइल फोन लेकर न जाने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक प्रवेश कर जाना होगा, वरना उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से रोक लिया जाएगा। बिहारी पोथरे में आज हम बात करेंगे निधि यशा के बारे में। निधि यशा का जन्म आज ही के दिन 1983 में हुआ था। यह एक भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। निधि ने जी टीवी के बुध और स्टार प्लस टीवी श्रृंखला महाभारत के लिए भानु अथैया के साथ शो के लिए उनके परामर्श अंकाय के रूप में वेशभूषा डिजाइन की। निधि यशा 2008 में मुंबई आई और नवंबर 2008 से मार्च 2009 तक एक रिटेल ब्रांड वधावन लाइफस्टाइल इंडिया के लिए मेंस वियर डिवीजन को संभाला। उन्होंने 2009 में वेशभूषा डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने जी टीवी पर शोभा सोमनाथ की में अपने काम के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड जीता। निधि ने 2009 से 2011 तक स्वास्तिक पिक्चर्स के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था। उन्हें सितंबर अक्टूबर 2013 में हवाई विश्वविद्यालय में अपने कार्य को प्रदर्शित करने और भारतीय पोशाक डिजाइन पर अतिथि व्याख्यान देने के लिए ईस्ट वेस्ट सेंटर गैलरी द्वारा आमंत्रित किया गया था। 2022 में काम की तलाश में बिहार से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे विदेश। विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार यह बात निकलकर सामने आई है कि वर्ष 2022 में बिहार से काम की तलाश में विदेश जाने वाले लोगों की संख्या 60,000 है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंकड़े के अनुसार बिहार राज्य से ये सभी लोग काम की तलाश में 18 देशों में गए हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, मलेशिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, साउथ सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यमन और सूडान प्रमुख है। वहीं अगर हम वर्ष 2018 के आंकड़े को देखें तो वर्ष 2018 में 59,181 लोग ऐसे हैं जो बिहार से काम की तलाश में विदेश पहुंचे हैं। इसके अलावा 2019 में 55,423, 2020 में 13,911 और 2021 में 24,526 लोग हैं जो बिहार से विदेश पहुंचे हैं। वाहन दुर्घटना में मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल के खाते में जमा करेगी बीमा कंपनी। परिवहन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अगर किसी वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाता है तो उसके परिवार को दी जाने वाली मुआवजे की राशि अब बीमा कंपनी के द्वारा ट्रिब्यूनल के खाते में जमा की जाएगी और इसके लिए राज्य के सभी जिले में ट्रिब्यून का गठन किया जाएगा, ताकि ट्रिब्यूनल के माध्यम से पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि दी जा सके। बता दें कि हर जिले के ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वही होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अथवा जिला न्यायाधीश हो या रहे हो अथवा इसकी योग्यता रखते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का चयन 5 वर्षों तक के लिए किया जाएगा, जो अधिकतम 70 वर्षों की आयु तक इस पद पर रहेंगे।
पिछले ढाई वर्षों में नल जल योजना के कॉल सेंटर में आए 9000 अनचाहे कॉल। राज्य भर में हर घर नल का जल योजना सहित जलापूर्ति योजना से जुड़ी किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800123 1121 जारी किया गया था, जो कि इस योजना जिम्मेदार 3 विभाग PHED पंचायती राज और नगर विकास एवं आवास विभाग के पास है। इसलिए इससे जुड़ी समस्या के सारे कॉल इन्हें 3 विभागों के पास आते हैं। लेकिन बता दें कि जिन भी लोगों के द्वारा कॉल किए जाते हैं उनमें से पिछले ढाई साल में 9000 कॉल ऐसे हैं जो किसी अन्य योजना की जानकारी पाने के लिए किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में कॉल सेंटर वाले लोगों के द्वारा लोगों को समझाया जाता है कि यह नंबर केवल नल जल योजना से जुड़े समस्याओं को सुलझाने के लिए है। बता दें कि इस बात की पुष्टि PHED की ओर से की गई है। PHED के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार राज्य के जिन जिलों में सबसे ज्यादा अनचाहे कॉल किए जाते हैं उनमें वैशाली, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, औरंगाबाद, अररिया और आरा शामिल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों समेत जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, MRI मशीन, सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले को लेकर रंजित पंडित के द्वारा की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा निर्देश देते हुए 4 सप्ताह का समय दिया गया है और कहा गया है कि 4 सप्ताह में सारी स्थिति स्पष्ट की जाए। बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य में बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं जिनके अपने भवन नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध कराकर अपने भवन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हेतु बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट के बार बार आदेश के बाद भी सिटी स्कैन और MRI मशीन नहीं लगाई गई है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। इस उम्र के लोगों को आधार अपडेट के लिए अब नहीं देना होगा शुल्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के द्वारा अपने शुल्क में बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब 5 से 17 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि अन्य लोगों को आधार कार्ड का अपडेट करवाने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये के शुल्क चुकाने होंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा केवल नाम और पते में बदलाव करवाया जाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को शुल्क के तौर पर 50 रुपये चुकाने होंगे। वहीं पोर्टल के माध्यम से अपडेट कराने के लिए 25 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके साथ ही वैसा व्यक्ति जो घर बैठे यह सुविधा लेना चाहता है तो उन्हें प्रथम व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के अलावा 700 रुपये देने होंगे। वहीं एक से अधिक लोगों के लिए यह सुविधा लेने के लिए अतिरिक्त 350 रुपये का भुगतान करना होगा। दरअसल UIDAI के द्वारा आधार कार्ड को अपडेट करवाने और नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए शुल्क में बदलाव किया गया है। विवि व कॉलेजों में पढ़ाई के साथ अब छात्र कर सकेंगे कमाई भी। अगर आप भी पढ़ाई के साथ कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M. जगदीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए एक पत्र जारी कर सभी विवि व कॉलेजों को कहा गया है कि वैसे छात्र जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें पढ़ाई के साथ कमाने का भी मौका दिया जाए, यानी कि उन छात्रों को अर्न विद लर्न का मौका दिया जाए। इसके साथ ही ऐसे छात्रों को किन कार्यों को करने का मौका दिया जाएगा उसके लिए भी एक सूची तैयार की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे काम करेंगे उन्हें घंटे के हिसाब से मानदेय दिए जाएंगे। यह अवधि प्रति महीने 20 दिन और प्रति सप्ताह अधिकतम 20 घंटे की हो सकती है। हालांकि छात्रों को काम कक्षा के बाद दिया जाएगा ताकि उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और हरे भरे पेड़ पौधे और प्राकृतिक नज़ारे देखने का शौक है तो पटना में संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क प्रकृति प्रेम पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह है। यहाँ पर देश विदेश के जंगली जानवर, शेर, चीता, बाघ, भालू, हिरण, हिप्पोपोटामस, इसके अतिरिक्त कितने ही विलुप्त हो चुके 335 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों को यहाँ पर बसेरा है। केवल पशु पक्षी ही नहीं बल्कि यहाँ पर झील और सुनहरे गार्डन भी है, इसलिए स्थान पटना में सबसे ज्यादा पसंदीदा पिकनिक स्पॉट में से एक है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। पार्क में एक मछली घर भी शामिल है जो सामान्य प्रवेश शुल्क के बाद सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर है। एक्वेरियम में मछलियों की लगभग 35 प्रजातियां हैं और सांप के घर में 5 प्रजाति के 32 सांप हैं। RJD ने जारी की प्रदेश पदाधिकारी, प्रकोष्ठ अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रधान महासचिवों की सूची।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद बीते दिन आरजेडी के द्वारा अपने प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रकोष्ठ अध्यक्षों और साथ ही जिलाध्यक्षों और जिला प्रधान महासचिवों की सूची को जारी कर दी गई है। बता दें कि यह सूची आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा जारी की गई है। मालूम हो कि प्रदेश प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू को बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर तनवीर हसन, पूर्व विधान पार्षद प्रसन्न पटेल, पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह समेत कई लोगों को चुना गया है। वहीं प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद कौमड़ान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋतु जायसवाल और छात्र राजद के अध्यक्ष के रूप में गगन कुमार को चुना गया है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में मोहम्मद साहेब हुसैन अंसारी को जिला अध्यक्ष, अमर यादव जिला प्रधान महासचिव, बगहा में सुमंत कुमार महतो जिला अध्यक्ष, मोहम्मद आलमगीर रब्बानी जिला प्रधान महासचिव, पूर्वी चंपारण में मनोज यादव विधायक समेत कुल 47 लोगों की सूची जारी की गई है। राज्य में 27 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट। अभी चंद रोज पहले ही की बात है जब बिहार में तपती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल होने लगा था। इसी बीच मौसम ने करवट बदली और शुक्रवार रात से तापमान में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। 27 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जहां बारिश का अलर्ट है उनमें बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिला शामिल है, जहां हल्की बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई गई है। उनमें अरवल, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 27 अप्रैल से सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज। बीते दिन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष गौतम कनोडिया के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल से संयुक्त सचिव रूपक कुमार के संचालन में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वावधान में प्रथम बिहार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का आगाज होने वाला है, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि यह प्रतियोगिता डे नाइट के रूप में होगी और इसमें पुरुष वर्ग की 6 और महिला वर्ग के 2 टीमों के द्वारा खिताब के लिए आपस में भिड़ंत होगी। बता दें कि अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल से शुरू होने वाले इस प्रीमियर लीग में कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लीग का लाइव टेलीकास्ट भी होगा और इसका उद्घाटन बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संकरण के द्वारा किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने एचआईवी मरीजों को दी जाने वाली दवा के मामले पर की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा एचआईवी मरीजों के लिए ओआई मेडिसिन की उपलब्धता के मामले को लेकर वीरांगना सिंह के द्वारा की गई लोकहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार एवं बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी को निर्देश देते हुए कहा गया कि वह इस मामले पर 3 सप्ताह में जवाब दे। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार पंकज के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य भर के एआरटी सेंटरों में एचआईवी मरीजों के लिए दवा उपलब्ध नहीं रहती, जिस वजह से मरीजों को उपचार नहीं हो पाता, जबकि इन दवाओं को उपलब्ध करवाने का कर्तव्य राज्य सरकार का है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 3 सप्ताह बाद की जाएगी। भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह को ब्लैक लिस्ट करने की हो रही तैयारी। बिहार के गोपालगंज जिले में थावे महोत्सव के दौरान अपने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह के साथ हुए बदतमीजी का वीडियो अब भी वायरल हो रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर एक नई खबर सामने आई है। बता दें कि इस मामले को लेकर गोपालगंज प्रशासन का कहना है कि इस घटना के जिम्मेदार भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह ही है और इसलिए अब गोपालगंज प्रशासन के द्वारा उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इसके लिए गोपालगंज प्रशासन के द्वारा बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा मंत्रालय को एक पत्र लिख प्रियंका की मंत्रालय से संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही इस पत्र में लिखा गया है कि महोत्सव के दौरान प्रियंका के द्वारा 7 से 8 गाने गाए जा चुके थे, लेकिन इस दौरान ही प्रशासन को कुछ संवेदनशील सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसके चलते कार्यक्रम को रोका जाना जरूरी था और इसके लिए जब मंच पर सीनियर पदाधिकारियों को मंच पर बुलाया गया तो प्रियंका सिंह ने उसे अनसुना करते हुए अपना कार्यक्रम जारी रखा, जिसके बाद मजबूरी में उनसे माइक लेना पड़ा था। बिहार के 13 लाख परिवारों को एयरटेल ने दिया तोहफा। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के द्वारा नैरो बैंड NB-IoT के साथ मिलकर एक करार किया गया है, जिसके तहत एयरटेल के द्वारा बिहार के 13 लाख परिवारों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। अब की जानकारी के लिए बता दें कि इस काम को पूरा करने के लिए एयरटेल के द्वारा जिस नैरो बैंड NB-IoT के साथ साझेदारी की गई है वह कम बिजली खपत वाली और बड़े इलाकों को कवर करने वाली रेडियो नेटवर्क प्रौद्योगिकी है। मालूम हो कि इसकी मदद से स्मार्ट मीटर जैसी सेवाओं एवं इंटरनेट आधारित
उत्पादों को संचालित किया जा सकता है। इसके साथ ही यह 2G एवं 4G स्पेक्ट्रम पर काम करने के साथ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर और तत्काल समय में पहुंच मुहैया कराने में भी मददगार होगा और इसे 5G प्रौद्योगिकी के अनुरूप भी ढाला जा सकता है। CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मई दूसरे हफ्ते में। अगर आप भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं व 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि CBSE के द्वारा यह रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस बार CBSE के द्वारा 3 सालों के बाद मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। बता दें कि जारी किए गए इस मेरिट लिस्ट में टॉपर के नाम भी शामिल होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की अंक सूची भी CBSE की ओर से ही स्कूलों को भेजी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में CBSE के द्वारा सभी स्कूलों को पत्र जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से कोरोना को लेकर पिछले 3 सालों से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष परीक्षा भी पुराने पैटर्न से ली गई है और मेरिट लिस्ट भी जारी की जा रही है। BJP के साथ जाने को लेकर मांझी ने दिया ये बड़ा बयान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बीते दिन बिहार के लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर भवन में आयोजित गरीब संपर्क यात्रा के दौरान बीजेपी के साथ जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि वह 2024 और 2025 के चुनाव में महागठबंधन का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि 7 पार्टी एक साथ बहुत नजदीक से मिलने वाले हैं और उस दौरान ही हम तय करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होगी। उन्होंने कहा कि अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, जब हम लोग बैठकर निर्णय ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संपर्क यात्रा में हमारे द्वारा गरीबों के विकास के लिए लोगों से बातचीत की जा रही है और फिर उनकी समस्याओं को जानकर सीएम नीतीश के समक्ष उन समस्याओं को रखकर उनका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। NIA की छापेमारी पर बोले नित्यानंद राय। बीते दिन NIA के द्वारा PFI मामले को लेकर बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के 17 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बिहार के मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान और कटिहार में छापेमारी की गई है। वहीं NIA के द्वारा की गई छापेमारी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा कहा गया है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा के तहत की गई है। भारत के कानून ने NIA को देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे सभी PFI जो बिहार को आरामगाह मान रहे हैं उनके खिलाफ NIA स्वतंत्र रूप से उसी कानून के तहत काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद जघन्य अपराध बढ़ा है, इनकी सरकार के द्वारा अपराध के सही आंकड़े नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उन्होंने कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन वे सभी से समर्थन मांगते फिर रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर मायावती द्वारा जताई जा रही आपत्ति को मिला जवाब। बीते दिन पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा अपनी रिहाई पर मायावती द्वारा जताई जा रही आपत्ति को लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी गई। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि मेरी कोई भी ऐसी घटना ढूंढ कर वो सामने ले आए जिसमें मैंने दलित विरोधी काम किया हो। उन्होंने कहा कि हमने मजदूरों की लड़ाई से अपना संघर्ष शुरू किया। मायावती कौन है, कहाँ की है और कैसी है उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी घटना घटित हुई है उसमें मेरे और जी कृष्णैया के परिवार को परेशानी झेलनी पड़ी है, बाकी लोगों ने केवल झाल बजाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बड़ भौंकने वाले का जवाब देना उनकी फितरत में नहीं है। IPL 2023 KKR से हिसाब बराबर करने उतरेगी बेंगलुरु की टीम। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL का 36वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। जहां एक तरफ बेंगलुरु की टीम के हौसले बुलंद है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम जीत तलाश रही है। फैफ डुप्लेसी की अनुपस्थिति में विराट कोहली की अगुवाई में RCB की टीम ने लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं KKR को लगातार पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। KKR को अपने पिछले मैच में चेन्नई के हाथों हार मिली है, जबकि RCB की टीम राजस्थान के खिलाफ जीत दर्ज करके आ रही है। हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो KKR का पलड़ा भारी है। दोनों टीम 31 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 17 बार KKR ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबलों में बेंगलुरु को जीत मिली है। इस सीजन भी जब दोनों टीम भिड़े थे तब कोलकाता ने 81 रनों से जीत दर्ज की थी, इसलिए बेंगलुरु की टीम हिसाब बराबर करने उतरेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बॉम्बे गैजेट अखबार 1841 में पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सन 1980 को स्थितीय खगोल विज्ञान केंद्र अब कोलकाता में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1993 में बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 60 लोग मारे गए। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2006 में 6 संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में बना 390 मेगावाट का दुलहस्ती हाइटल पावर प्रोजेक्ट 2008 में देश को समर्पित किया। बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चीनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केले के रूप में करने का 2010 में फैसला लिया। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का 1920 में निधन हुआ। आज के दिन को चेर्नोबिल दिवस और
और बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। अब व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज को भी कर पाएंगे सेव। मेटा ने अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कीप इन चैट फिर रिलीज किया। इसकी मदद से अगर आपको कोई डिसअपीयरिंग सेटिंग के साथ कोई मैसेज करता है तो आप उस मैसेज को भविष्य के लिए सेव कर पाएंगे। हालांकि इसमें भी मैसेज को सेव करने से पहले सेंडर को नोटिफिकेशन जाएगा और सेंडर ही यह तय करेगा कि इसे सेव किया जा सकता है या नहीं। कंपनी के इस फीचर से अब लोगों को प्राइवेसी की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इससे मैसेज गलत हाथों में पड़ने से भी बचेंगे। जब कोई मैसेज को सेव करेगा तो सेंडर को सूचित किया जाएगा और सेंडर के पास निर्णय को वेटो करने की क्षमता होगी। व्हाट्सएप ने कहा कि अगर आपने फैसला किया है कि आपका मैसेज दूसरों के द्वारा नहीं रखा जा सकता है तो आपका निर्णय अंतिम है, कोई और इसे नहीं रख सकता और टाइमर समाप्त होने पर संदेश को हटा दिया जाएगा। वाइल्डकार्ड मैच हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लोन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लोन योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। तथ्यों की सही जाँच के बिना अपनी आधार संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें। देश में इतने करोड़ टन हुई गेहूं खरीद। केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं खरीद के जुटाए गए रिकॉर्ड के अनुसार जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार गेहूं के मौजूदा खरीद सीजन वर्ष 2023-24 में अब तक गेहूं की खरीद में 12% तक की बढ़ोतरी हुई है। वही खरीद का आंकड़ा 1.11 टन हो गया है जबकि पिछले साल गेहूं खरीद 99 टन दर्ज की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 11,89,237 किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की धनराशि 23,663.63 करोड़ भेज दी गई है। मालूम हो कि इस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं खरीद के लिए 3.42 करोड़ टन लक्ष्य तय किया गया है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, शंकर मुखिया, अखिलेश कुमार यादव, कुश कुमार यादव, पंकज कुमार दास, नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मृत्युंजय कुमार, आरएस अमरीश, उमेश ऋषिदेव, चट्टू यादव, रवि कुमार राम, कुमार सूरज, रंजीत मिश्रा, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पढ़ाई के साथ कमाई करना छात्रों के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।